शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोरोना वायरस की रोकथाम करने के लिए और उस दिशा में जन जागृति करने के लिए भारत में सर्वप्रथम डिसइंफेक्शन, एक ऐसी मशीन जो इलेक्ट्रिसिटी डिसइंफेक्शन मशीन है, जिसे काफी हद तक कोरोना बढ़ते प्रभाव और प्रादुर्भाव को रोका जा सकता है। इस मौके पर इस मशीन से यातायात विभाग के वाहनों को सैनिटाइज किया गया। इंसी स्प्रे भारत की पहली इलेक्ट्रोस्टैटिक कीटाणु शोधन मशीन है, जो CSIR CSIO चंडीगढ़ की तकनीक पर आधारित राइट वाटर सॉल्यूशन द्वारा निर्मित है। CSIR CSIO भारत सरकार के अनुसंधान शाखा है। मशीन में इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रेयर और ऑनसाइट कीटाणुनाशक जनरेटर शामिल है। कीटाणुनाशक और सैनिटाइजिंग एजेंटों को लागू करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक कीटाणु शोधन सबसे कुशल और प्रभावी तरीकों में से एक है। यह मशीन जीवित और गैर जीवित सतहों के लिए बहुत उपयोगी है, जो रसायनों के कम उपयोग के साथ छिपे हुए क्षेत्रों में स्प्रे बयान को बढ़ाने के लिए अनुकूल दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह तकनीक रासायनिक लागत को काफी कम कर देती है, क्योंकि नमक के घोल से कीटाणुनाशक उत्पन्न हो जाता है। कीटाणुनाशक रसायनों को चार्ज करके किसी भी क्षेत्र को साफ करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रेयर सबसे प्रभावी होते हैं। यह उन्हें नकारात्मक आयन बनाता है और 5 से 10 माइक्रोन की रासायनिक सामग्री की बूंदों का उत्पादन करता है। यह कोरोना वायरस के विनाश के लिए सबसे उपयुक्त है, जो आकार में 0.1 माइक्रोन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक छिड़काव पारंपरिक स्प्रेयर के कई फायदे हैं। यह अमेरिका में सबसे लोकप्रिय कीटाणु शोधन समाधान बन गया है। इसका उपयोग कई एयरलाइनों जैसे डेल्टा एयरलाइंस, साउथवेस्ट एयरलाइंस, मैरियट समूह के होटल, स्कूल, रेस्तरां और कई निजी और US सरकार द्वारा सतह कीटाणु शोधन के लिए किया जा रहा है। संस्थाएं COVID-19 के खिलाफ कीटाणु शोधन के लिए ई स्प्रेयर का उपयोग कर रही हैं। इस अनूठी तकनीक का उपयोग करके DCP ट्रैफिक नागपुर में पूरे कार्यालय को कीटाणु रहित कर दिया है। इस बारे में रीट वाटर के निदेशक अभिजीत गान इन्होंने उल्लेख किया है कि इस मशीन के विकास के कुछ दिनों के भीतर कंपनी को भारत के साथ साथ विदेशों से भी इन इकाइयों के लिए कई पूछताछ प्राप्त हुई है। कंपनी को भरोसा है कि वह मांग को पूरा करने के लिए आने वाले कुछ महीनों में इस मशीन के निर्माण को बढ़ा सकती है। ये CSIR CSIO जो गवर्नमेंट की संस्थान है, रिसर्च संस्थान है, उन्होंने डेवलप की हुई है, उनका पेटेंट है, और हम लोगों ने उनसे टेक्नोलॉजी लेके विदिन 15 डेज ये इंडिया की पहली इलेक्ट्रोस्टैटिक मशीन डेवलप की है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जब हम कोई भी डिसइंफेक्टेंट केमिकल इसमें से पास करते हैं, तो वो एक हाई वोल्टेज आर्क से पास होता है, जिससे कि केमिकल के ड्रॉपलेट चार्ज हो जाते हैं, और जैसे ही कि वो चार्ज हो जाएंगे तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट पे ये स्प्रे करोगे तो वो ऑब्जेक्ट को पूरा कवर करेंगे, जिसको हम 360 डिग्री इफेक्ट या रैप अराउंड इफेक्ट बोलते हैं, जो नॉर्मल स्प्रेयर से आता नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं वो 10 माइक्रोन, इतने छोटे 10 माइक्रोमीटर साइज के ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, जबकि सादे जो स्प्रेयर्स हैं उनसे 200 से 500 माइक्रोन तक का ड्रॉपलेट साइज है। उसका फायदा ये है, सबसे पहले कि कोरोना जो वायरस है, कोविड SARS-2, उसका साइज है 0.1 माइक्रोन, तो उसके लिए जितना छोटा ड्रॉपलेट साइज हो उतना उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है। तो हमारे सबसे छोटा ड्रॉपलेट साइज 10 माइक्रोन तक प्रोड्यूस करता है। दूसरा, इसमें केमिकल कंजम्पशन एकदम कम होता है, 15 से 16 गुना कम केमिकल में आपको उतना ही एफिशिएंट डिसइंफेक्शन मिलता है। तो ये दो सबसे बड़ी इसकी चीज़ें हैं, जिसके कारण आज ये यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत पॉपुलर है। यूनाइटेड स्टेट्स में सारे एयरलाइंस, होटल्स और इंस्टीट्यूशन इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रेइंग यूज़ कर रहे हैं, बट आज तक इंडिया में बना नहीं था। तो इंडिया में ये पहली मशीन बनी है, और जो US में मशीन मिल रही है उनसे 1/4 रेट में ये अभी हम इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं। अकेले भारत में 1,00,000 अस्पताल, 2,50,000 स्थानीय निकाय, 9,000 ट्रेन, 8,500 स्टेशन, 673 हवाई जहाज, 123 बड़े हवाई अड्डे, 1,28,000 ब्रांडेड होटल के कमरे, 8,000 सिनेमा स्क्रीन और 2,00,000 से अधिक कार्यक्षेत्र है, जिन्हें अपने परिसर कोरोना सबूत रखने के लिए कीटाणु शोधन समाधान की आवश्यकता होगी। एनसी नैनोसेंस ये एक भी ऐसी मशीन है, जिसके चलते ये समाज के लिए काफी उपयोगी साबित हो रही है। आखिरकार ये कितनी महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए, आइए इसे जानना चाहेंगे। सर, ये बताएं कि ये क्या कामकाज करती है। ये देखिए, मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। ये ऐसा, सिर्फ हाथ नीचे रखो, ऑटोमेटिकली सेंसर के थ्रू तुम्हारा हाथ क्लीन हो सकता है पूरा। और अब जैसा बार बार साबुन को हाथ लगाना हो गया, या कोई बटन दबा के जो दूसरी मशीन से यूज़ होती है उससे अपन विदाउट टच ये मशीन्स अपन ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें 6 लीटर पानी बैठता है
और इसमें 200 ग्राम आपको नमक डालना पड़ता है, नमक ऑटोमेटिकली रिचार्ज होता है, रिचार्ज होने के बाद में दिस वर्क्स बेसिकली। ये अराउंड 9000 तक जाएगा इसका, और इसके ऑर्डर्स भी आ रहे हैं हमको। अब तक सर में कितने बेचे हो? नहीं अभी तो, अभी हमने डेवलप किया है, फिर भी हमारे पास में कम से कम एक 60-70 मशीन के ऑर्डर्स है, अभी विद इन 2 डेज हमारे डिस्पैच चल हो जाएंगे। देशपांडे जी, ये पता कि इस समय में इन्विशन के तमाम दर्शक आपको देख भी रहे और गौर से सुन भी रहे, ऐसे हमारे दर्शकों के लिए ये कितनी महत्वपूर्ण साबित होगी, इस बारे में क्या कहना चाहिए संक्षिप्त? ये जो पूरे अपनी भारत सरकार जो बोलते हैं कि बार बार अपन हाथ धोना ये करना, और जैसा अपन किसी ऑफिस में जाते हैं या कोई कार्यालय में जाते हैं तो उस टाइम, या बैंक में जाते हैं तो लोग आपको सामने सैनिटाइजर्स देते हैं, सैनिटाइजर हाथ क्लीन होता है, उससे सबसे बेस्ट ये है कि आप सीधा हाथ लगा के ये करके उसको देते हैं और इसको टच भी करना नहीं पड़ता है। ANC नैनो सेंस मशीन जो हमने बनाई है वो बहुत ही सेफ और नेचुरल डिसइंफेक्टेंट बनाती है। जो मार्केट से डिसइंफेक्टेंट मिलते हैं वो उसमें केमिकल और हार्मफुल बैक्टीरिया किलिंग जो होते हैं वो बहुत हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए, तो वो इसमें जो है हमारे नेचुरल और सेफ डिसइंफेक्टेंट है जो हाथ में भी यूज़ कर सकते हैं, और इसमें एक्चुअली डिसइंफेक्टेंट बनेगा आपका, तो आपको सिर्फ वाटर लेना है और सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट लेना है, उससे आपका सैनिटाइजर बन जाएगा। तो एनसी नैनो सेंस ये जो मशीन है काफ़ी अच्छी मशीन है ऐसा इनका मानना है, क्योंकि आए दिन शहरों में कुछ ऐसी भी मशीन है जिसके चलते लोग सैनिटाइज के नाम पे उनकी जो स्कीम है पूरी तरह से ख़राब हो रही है, ऐसी कई शिकायतें हमें आ रही है। लेकिन जब हमने इस विषय को लेकर इनसे बात किया तो इन्होंने ये कहा कि ये वो मशीन नहीं है जिससे स्किन इन्फेक्शन होता है, बल्कि ये पूरे स्किन को प्रोटेक्ट करता है और घर के परिवारों को भी प्रोटेक्ट करता है, और कोरोना वायरस की रोकथाम और उसको कोरोना वायरस को दूर दूर भगाने के लिए भी काफ़ी अच्छा सहयोग ये मशीन कर रही है। दिखने में भली छोटी है लेकिन ये अपने आप में इसकी स्पेशलिटी है वो बहुत ज़बरदस्त है और भविष्य में लोगों के काम आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। नागपुर के यातायात अजरी विभाग से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरे, इनबीसीएन न्यूज़ नागपुर।